लगता है जैसे मैं हवा में हूँ। आज इतनी खुशी मिली है मुझे। मरीना को खुश रखने के चक्कर में शार्कों की हवा निकल गई है। बहुत उड़ रही थी, गिर गई। दांत निकालना बंद करो। मुझे पिटवाएगा क्या? याद रखना, मेरी नजर से तुम बच नहीं सकते। और मैडम जी, चलो मरीना, मैं तुम्हें सैर करवाता हूँ। और सेठ, जरा अपनी खटारा गाड़ी को ब्रेक लगा। मरीना को किडनैप करने चला था, अब उल्टे पांव लौटना पड़ा। मेरा मेकअप बिगाड़ दिया। हेलो सर, लौटने का रास्ता बताएंगे? बोले तो कौन है? इसने तो भाई का फुल एंड फाइनल कर दिया। SBI बाकी नहीं रखा भाई, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भाई। मेरे ख्याल से इन्हें चिपकाने के लिए किसी अच्छे सेमी कॉल की जरूरत पड़ेगी भाई। गूगल पे सर्च करता हूँ। भाई का तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया। भाई अभी खरगोश की तरह दौड़ेंगे। इसे देखने के बाद ऑटो रोबोट 2 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा भाई। बोले तो अब इनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये लो भाई, जूस पियो। जूस पीने को कहा था, निकालने को नहीं भाई। बोले तो चलो अब दिखाओ अपने हाथ का पावर। थैंक यू सर्किट। बोले तो भाई, इस टेस्ट में तो पास हो गए, अब जरा रेसिंग टेस्ट हो जाए। मजा आ गया यार। बोले तो रनिंग में भी फर्स्ट। रुको, कोई आवाज आ रही है। मेरे कान भी तेज हो गए हैं यार। मरीना को टेस्ट करना बाकी है। अरे, इनके दिमाग का ढक्कन तो यही गिर गया भाई। कहाँ है मेरी मरीना? हो रही अनाड़ी बन गया खिलाड़ी। पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी इसकी किस्मत की गाड़ी। पापा, योगी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, खाना है। ये ढक्कन दिमाग का तो है ही नहीं। इसका नहीं, नाक का, कान का। उससे पहले तुझे मुझसे निपटना पड़ेगा। ए पानी कम दूध रास्ता ना। मजाक अच्छा था। अरे तेरे लिए तो मेरी एक उंगली ही काफी है। लगता तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। जोर की लगी। अब मैं तुझे मेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। कैसे धूल चटाई मेरे तीस मार खा। और तेरी इतनी हिम्मत, देख ऊपर आसमान है, ये ले। मेरी आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है यार। मैडम जी, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, आपकी जान को खतरा है। अब जिक के बच्चे को देखता हूँ मैं। ओए चल, अब करते हैं दो दो हाथ। जब शर्क को अपना सही रंग दिखाता है तो धरती, आसमान, यहाँ तक कि समंदर भी हिल जाता है, लेकिन जिक एक कदम भी नहीं हिला। अब मैं क्या करूंगी, आइलैंड काफी दूर रह गया। अरे शर्क को मेहनत मत कर, इसमें सुपर पावर आ गई है। ये बहुत ही बोर कर रहा है यार, जरा बैठ के कुछ टाइम पास कर लेता हूँ। ओए बहुत हुआ, तो यही रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है इसके लिए मुझे बड़ा धमाका करना होगा। शार को खुद जल गया, लेकिन जिक का बल अब भी नहीं गया। मेरी तीखी नजर से बचा सकता है तो बचा ले। लो,
सिग्नल तो इसकी बची कुछ ही सेट भी उतार दे। ओए, जोर का झटका और जोर से क्यों दे रहा है रे? तूने मेरे नाक में बहुत दम किया है, अब मैं तेरे नाक में गुदगुदी करूंगा यार। ओए छोड़ दे मुझे, आए तुझे मेरे 2.5 किलो के। रिंगा रिंगा रो रे, लगता है उसे खत्म कर देगा शार्को की स्टोरी। बोले तो ये भाई के पेट का ढक्कन है, भाई को जल्दी से बताना होगा। अब आखिरी बार, ओ मरीना तुम आ गई, आज तो किस्मत भी मेरे साथ है यार। मरीना खाऊंगा तुम्हें लगाकर धनिया पुदीना। खबरदार, जो एक कदम भी मैडम जी के सामने बढ़ाया तो। ओए सिंह रुक जा। ए मरीना बन जा मेरा खाना। बोले तो भाई रुक जाओ, तुम्हारे पेट का ढक्कन खुला है। आ, मैडम जी को बचा कर रहूंगा। जेग, पानी में जाने की मत कर जेग। अरे कभी तो छोटी छोटी बात मान जा, बड़ों की बात नहीं मानेगा भुगतेगा, भुगत लिया। बोले तो अब ये ढक्कन किसी काम का नहीं। अब पता नहीं ये घायल शर्को घातक भाई का क्या हाल करेगा। और ड्रामेबाज, अपना ड्रामा बंद कर। बोले तो अंकल, ये पजल सॉल्व कर दो ना भाई। हाँ, क्यों नहीं, इसमें तो मैं माहिर हूँ। नहीं यार, आज आइलैंड पर सब स्टैचू स्टैचू गेम खेल रहे हैं। मैं जैसे ही पीट तुम्हारी तरफ करूंगी, तुम गेम शुरू कर देना। ओए हल्ला पाटी, अपने हाथ में रहो। स्टैचू, अभी इस स्मार्टी का स्मार्टनेस निकालता हूँ। मुन्ने तुम तो हिल गए, तुम गेम से आउट होते हो। तुम लोग ना बहुत चीटिंग करते हो। रोज लोग नहीं के, अब तो गेम भी मेरा और जीत भी मेरी। ओए शार्को, तुम तो जीत गए, ये रहा तुम्हारा इनाम। शार्को के लिए इससे बेशकीमती इनाम और हो ही नहीं सकता। खुशी के मारे शार्को के पांव अब जमीन पर नहीं रुक रहे हैं। अच्छा है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। अब मैडम जी आपकी बारी। ओए ये बेकार के लोग यहाँ कैसे आ गए? हेलो शार्को द ग्रेट, हम भी हैं इस खेल में। नाउ मैडम जी की वजह से इसे खेलना ही पड़ेगा। गेट सेट पो। मैं बनाऊंगा मरीना को अपना खाना। अरे कहाँ जा रही हो, मेरे लिए तो रुको। स्टैचू, ये क्या बकवास है यार। जेक अपनी जगह से हिला और ये आउट हो गया। मैं तुम्हें देख लूंगा शार्को। स्टैचू, ओए अब तो ये तुम यही खड़े हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे कितना शरीफ कब से बन गया, लगता मुझे ही जाके दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। ओए ये तो स्टैचू वाले गेम में असली वाला स्टैचू रख के भाग गया। शार्को, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बाय बाय शार्को। बाय बाय शार्को, मैं फिर आऊंगा। ओए रुक जा, अपने इस डमी को भी अपने साथ लेता जा। गेट सेट पो। मरीना, इस वैक्यूम क्लीनर से तुम मेरे पास खुद खींची चली आओगी यार। क्योंकि ये क्या हो रहा है, मैं आगे जाने की बजाय पीछे जा रही हूँ। शार्को कुछ करो। लगता है मुझे अपने दिमाग पर जोर डाल के अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
ये तो आगे ही बढ़ती जा रही है। मैं इस मशीन का स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओए, ये क्या हो रहा है? जरूर जिद ने फिर से अपनी घटिया चाल चली होगी। आप आएगा उठ पहाड़ के नीचे। ये क्या हो गया यार? सॉरी शार्को, गलती से गलत निशाना लग गया। लाओ यार, तुम्हारा 2.5 किलो का हाथ मैं खुद ही अपने आप को मार लेता हूँ। ये देखो, अब तो खुश। शार्को, शायद तुम्हें पता नहीं, डॉगी की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन मैं कभी सीधा नहीं हो सकता यार। मरीना मैं आ रहा हूँ, बस और थोड़ी सी दूरी और मरीना हो जाएगी मेरी। मरीना आगे ही बढ़ते जा रही है, कहीं मेरे हाथ से मरीना छूट ना जाए। मरीना हो! शार्को मैं जीत गई। अगली बार मैं जीतूंगा। वाह मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपको इनाम देना पड़ेगा। खेलना। इस ऐसी हालत में देखकर बंदर भी शर्मा जाए। दोस्तों गेम शुरू करो। तीनों का गेम एक लेकिन मकसद अलग अलग है। जिसको मरीना को खाना है, सर्किट को खेल जीतना है और शार्को को मरीना का दिल जीतना है। देखते हैं किसका मकसद पूरा होता है। Get set, go! सर्किट तो अंडे नहीं रहना यार। भाई बोलो तो, don't underestimate the power of the common snail। जीत तो मेरी हुई भाई। भाई बहुत छलकूद कर रहा है ना? चल जा यहाँ से। कैसू? Get set, go! कैसू? मरीना। Get set, go! कैसू? यहाँ तुम्हारे पीठ पीछे कुछ अलग ही खेल चल रहा है। क्योंकि कोई आउट नहीं हुआ। ऐसे खेलते हैं। ऐसे तेरे चक्कर में मैं हार जाऊंगा। तुमने मेरे मुंह करने वाला छीना है। मैं तुम्हें जीत नहीं दूंगा यार। कहीं तुम दोनों की लड़ाई में तीसरा इनाम न ले जाए। ओए, ये सर्किट का बच्चा हमसे आगे कैसे जा सकता है? बड़े होशियार बनते हो ना, चलो जाओ पीछे। बोलो तो मेरी हार तुम दोनों को महंगी पड़ेगी। चला था मुरारी हीरो बनने। शार्को, अगर मेरे दोस्त को मैंने आगे नहीं बढ़ने दिया तो तुम तो मेरे दुश्मन हो यार। लगता है तुझे तेरी ही लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। अरे एक दूसरे को लात मारना बंद करो वरना अपने ही जाल में फंस जाओगे। ले लो, फंस गए। देखते हैं इनकी लंबी जबान आज इन्हें जीत के पास ले जाती है या नहीं। मैंने पहले ही कहा था, दोनों के झगड़े में बाजी कोई तीसरा ही ले जाएगा। अरे वाह सर्किट, तुम तो उस्ताद निकले। अब ये लो तुम्हारा इनाम। बोले तो ऐसे प्यारे और कीमती इनाम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। खुशी के मारे इसके पाव भी जमीन पर नहीं रुक रहे हैं। ऐसा ही होता है जब हद से ज्यादा खुशी मिलती है। पूरे घर में सिर्फ कबाड़ भर के रखा है यार, कोई भी चीज काम की नहीं। मिल गई मेरी लेजर गन। अरे मेरे बुलेट राजा, तेरे केक की सर्किट को मिली सजा। अच्छा, इसका मतलब इस गन के जरिए बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा किया जा सकता है ना? सबसे पहले मैं शार्को को छोटा बना दूंगा, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है यार। उसके बाद उसे चींटी की तरह अपने पैरों तले कुचल दूंगा और फिर मैं खाऊंगा मरीना केक, मरीना आइसक्रीम, मरीना पिज्जा, मरीना बर्गर। मेरी तो बैठे बैठे लॉटरी लग गई यार। बोले तो भाई, ख्याली पुलाव पक गया तो मुझे भी ठीक कर दो ना। थैंक यू वेरी मच।
बोले तो पता नहीं भाई के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही भाई। शेर को हैंड्स अप नाउ। हमेशा की तरह आज भी इसका निशाना गलत लग रहा है। शार्कों के अलावा सारे के सारे छोटे हो रहे हैं। बोले तो भाई कभी नहीं सुधरी है। बड़ा अच्छा खिलौना है जिंद। अरे मजा आ गया खेल के। ओए बचाओ। देखा मैं हूँ बुलेट राजा। नाउ राजा का बजेगा अब बैंड बाजा, क्योंकि गलत निशाना कभी कभी सही काम कर जाता है। बाल बाल बच गए मैडम जी। पता नहीं मरीना कहाँ गायब हो गई यार। लगता है अब उसे पावर ग्लास के जरिए ढूंढना पड़ेगा। बोले तो मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि ये जगह मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। हेलो सर्किट, लगता है ये पागल फिर से भंगार जमा करके लाया है यार। आज तो भंगार में भी मुझे नया खिलौना मिला है। जिसे मैंने ढूंढा गली गली वो मुझे अपने ही घर में मिली, वो भी भंगार में। ना खबरदार मेरे खिलौनों को हाथ लगाया तो ये सब मेरे हैं। लगता है इस पागल को दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा। वाह ये गन तो बहुत ही अच्छी है। दूर हटाओ, मुझे ठीक से गन को देखने दो। जिग छोड़ दे अपनी जिग। थैंक यू, वेल डन जिग। लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज चाय पियो ना। ओहो हमारी इतनी खातिरदारी। हमें थोड़ी जल्दी है, इसलिए जल्दी जल्दी चाय पी के निकलते हैं। बाय बाय। ओ, बेचारा उदास हो गया, मुझसे इसके आंसू देखे नहीं जाते। मैडम जी कहाँ है? क्या मुझे और चाय मिलेगी? हाँ हाँ मैडम जी, क्यों नहीं, और चाहिए। मैडम जी इतनी चाय सेहत के लिए ठीक नहीं। मिल गए मुझे गन। ओए खबरदार, उस गन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा। बड़ा आया था गन लेने वाला। ओए पता नहीं इसकी हड्डी भी बची होगी कि नहीं। मरीना तुम्हारी ड्यूटी शुरू। इसकी सांसें तो चल रही है ना। कितनी अच्छी जंगल सफारी है। यूकी मजा आ गया। ये जिग रो क्यों रहा है? क्या हुआ उसे? क्यों गला फाड़ रहे हो? मेरा खिलौना टूट गया। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मेरा खिलौना देता हूँ। ये देखो। एक खिलौने से क्या होगा यार, ये दे दो। अब वो भी दे दो। वो भी दो ना। अब सिर्फ वो बाकी रह गया। ठीक है ले लो। चोर के हाथों में तिजोरी की चाबी थमा दे। अब सबकी शामत पक्के। बोले तो भाई यहाँ भी चैन से बैठने नहीं देंगे। चाव फिर से बाजी मेरे हाथों में। नाउ अब तेरा क्या होगा शार्को? जल्दी स्टार्ट करो। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता यार। जग यहाँ पर भी तेरा बैट लेके चला। फिर से शार्को की बंद कार चल पड़े। रुक जाओ यार, क्यों थका रहे हो? जग मैं तेरे इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। मैडम जी सीट बेल्ट बांध लो, हम उड़ने वाले हैं। ऐसा करते हैं, मुंह सैनी वाला छिन जाना। वाह क्या राइड थी, मजा आ गया। ब्रेक क्यों लगाया? सामने स्पीड ब्रेकर आया। दूर हटो सिंह, तुम्हारे लिए तो मेरी एक ठोक ही काफी है यार। शार्को मुझे छोड़ के मत गिरना। मरीना आज मैं तुम्हें खाऊंगा एक्स्ट्रा मेयोनीज के साथ। अब कौन आया यार?
ओए सिंह, कैसी लगी हमारी धास एंट्री? मुंह पर 12 बज गए ना? लो इससे अपना मुंह साफ कर लो। ओए नो! शेर को ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नो! सिंह, ज्यादा हाथ पांव मत चला, वरना अपने ही जाल में फंस जाएगा। ये देखो, फंस गया। अब एक आखिरी स्ट्रोक और जिग का काम तमाम। लो, हो गई वर्ल्ड वाला पूरे और इनके जंगल सफारी भी। बोले तो भाई की वजह से मैं किताब का बोझ भी नहीं उठा पा रहा हूँ। लाओ भाई, बोले तो गन इधर दो। बहुत सुकून मिल रहा है। ये चन्नी चिंग कितना प्यारा रैप गाता है, मजा आ गया। जग हमेशा की तरह आज भी अपने किए की सजा भुगत रहा है। शार को हर वक्त अपनी नजर चौकन्नी रखता है क्योंकि हादसे कभी भी हो सकते हैं। ओए गप्पू, कहीं ये पानी में डूब ना जाए। इसके खुद की लाइफ की गारंटी नहीं, चला है दूसरे की लाइफ गार्ड करने। ओए, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और ये सब क्या जाने लाइफ गार्ड की बात। मेरे आइडल के सामने मेरी इतनी छोटी इंसल्ट कर दी। लगता है आप मेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। सर्किट, हमारा तीर निशाने पर लगा है यार। ये सब भेज के हम उसे चने के पेड़ पर चढ़ाएंगे और अपने प्लान को अंजाम देंगे यार। मिस्टर शार्को, आपके लिए कुरियर है। अपना अंगूठा लगा दो प्लीज, आपका दिन शुभ हो, हमने चाहा तो। क्या हो सकता है इसमें? ओए, ये तो मेरा फेवरेट लाइफ गार्ड डेविड स्मिथ है। अब देखता हूँ कैसे कोई मेरा मजाक उड़ाता है। शार्को को क्या हुआ? स्नोमैन से सुपरमैन कैसे बन गया? देखा, मेरे भजिए जैसे भेजे का कमाल। भाई थोड़े से तारीफ के फूल हम पर भी बरसाओ। चल चल ये पहन ले वरना भीग जाएगा। ओए, लगता है वहाँ कोई डूब रहा है। अरे जब तक मैं बचाने के लिए नहीं आ जाता तब तक डूबना नहीं। अब मैदान साफ है। हे मरीना, खाऊंगा तुम्हें लगा के धनिया पुदीना। शार को जान बचा रहा है या उसकी जान निकाल रहा है? अच्छा, तो इसके पीछे तेरा दिमाग है। बोलो तो भाई, मार खाने में तुम एकदम एक्सपर्ट हो गए हो। चलो पानी से बाहर निकलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अरे भाग के कहाँ हो? लाइफ बलून तो पहन लो। मेरे मना करने के बावजूद तुम पानी में आए। चलो अब जाओ। पापा, मेरा तो दम ही निकल गया। ये देखो, सबकी लाइफ सेव करने के चक्कर में खुद ही अनसेफ हो गया। मौका चाहिए। कैसे हो शार्क? ऐसे पहन लो। बड़ा आया मैडम जी को खाने वाला। अरे शार को इनकी लाइफ बचा रहे हो या इनकी परेशानियां और बढ़ा रहे हो? ये शार को आखिर खुद को समझता क्या है? मैडम जी, आपको यूं अकेले पानी में नहीं तैरना चाहिए। चलिए मैडम जी, सबके साथ चलिए। तुम मजाक कर रहे हो है ना? नहीं, चलिए वहां चलिए। यू
कि बेचारे कैदियों की तरह लग रहे हैं। मुझे कैदी नहीं बनना, नहीं चलेगा कोई बहाना। चलिए बाहर निकलिए। मरीना चलो मेरे साथ। ये फिर से आ गया जग। महंगी पड़ गई तेरी जिद। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? चलो मैं इसका माइंड डाइवर्ट करती हूँ। अरे मरीना, इसके पास माइंड ही नहीं है तो डाइवर्ट क्या करोगे बताओ ना। बोले तो ये शार्क को बहुत उड़ रहा है, अभी इसकी हवा निकालता हूँ। ओए, ये सब एक साथ डूब जाएंगे, इन्हें एक साथ कैसे बचाऊं? ओए कोई डरना नहीं, मैं आ रहा हूँ सबको बचाने। चलो एक एक करके सब किनारे पे जाओ। शार्को, ये क्या हो रहा है? देख लूंगी शार्को के बच्ची को। भाई तुम अकल के अंधे तो थे, अब आंखों से भी अंधे हो गए। यार ज्यादा मत बोल, मेरे साथ चल। थोड़ी ही देर में ये सूख जाएंगे। मैडम जी कहाँ चली गई? ओए, कहीं जिद ने मैडम जी को खा तो नहीं लिया? मैडम जी को मैं बचा नहीं पाया, लाइफ गार्ड होकर भी मेरा कोई मतलब नहीं। मैडम जी मुझे माफ कर दो। आंसू बनकर बह जाता है, लेकिन शार्को के आंसू ने तो सबको बहा डाला। बुरा नहीं है, मेरे पेट में तो चूहे डिस्को कर रहे हैं यार। अब तो मुझे हर जगह मरीना ही मरीना नजर आ रही है यार। हाय ज़ेग। वाव, सोना तो सुहागा हो गया यार, कुआं खुद पैसे के पास आ गया। ओह, कितना प्यारा है ये। डायरेक्टर जी की आवाज। ये गेम भी मैं ही जीत गई। मैडम जी कैसी हैं आप? हम तो सिर्फ गेम। ये मैं क्या देख रहा हूँ यार? मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, देखिए ना मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। मैडम जी आंसू खत्म हो गए। बस कर पगले, मुझे तो तुमने हंसा दिया, तुम बहुत प्यारे हो। थैंक यू मैडम जी। इसे आज पतली गली पकड़ने की बजाय बॉक्स पकड़ के क्यों चल रहा है? मियों की लगता है ये फिर से शुरू हो गया। सिर्फ मुंह लटकाने से क्या होगा, अब पूरे के पूरे ऐसे ही गले में लटके रहो।